ये है रामगंगा रिवर, इसका नाम है ना रामगंगा, इसमें क्रोकोडाइल घड़ियाल भी है। हम लोग प्रयास फील्ड में एडवेंचर के लास्ट पड़ाव में आ गए, दिस इज द एंड ऑफ द अर्थिकारा गुड मॉर्निंग फ्रॉम कॉर्बेट। सो टुडे इज 21st। लास्ट व्लॉग में देखिए कि येस्टरडे वी रीच्ड एट कॉर्बेट रिसोर्ट, और रात को कल टायर्ड हो गया था पूरा। आज हम लोगों का मेन सफारी है, तभी सुबह के बज रहे 5, हम लोग उठ गए हैं। हम लोग का पिकअप है 6:10 को रिसोर्ट के आउटसाइड में, तो हम लोग बोल दिए थे कि क्योंकि रिसोर्ट थोड़ा अंदर में है तो ये लोग ड्रॉप कर देंगे रोड तक। अभी मैं उठ गया, फ्रेश हो गया, और स्वागता अभी फ्रेश होने गई है। ये छुटकी अभी भी सो रही है, इसको हम लोग नींद नहीं लेकर चल जाएंगे क्योंकि इसके लिए सुबह उठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसको तकलीफ भी क्यों था ना, आराम से इसको लेकर चल जाएंगे सरे टीकर के, और 11 o'clock तक हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। सो आज तो बड़ा एक्साइटमेंट है, होप हम लोग अच्छा कुछ देख पाए। ये फॉरेस्ट का टूर तो लग कर रहता है, क्या लक है हम लोग आज देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का बज रहा है 6 o'clock, लेकिन इधर अभी भी अच्छे से सनलाइट तो हो गया, मतलब अंधेरा टाइप का ही। ये जो गाड़ी है ये हम लोगों को पहुंचाएगी गेट तक, मतलब रिजॉर्ट इतना बड़ा है ना, तो गेट तक पहुंचने में भी अगर पैदल जाएंगे टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये छुटकी सो रही है, मम्मी पापा तैयार हैं, बस 1 मिनट में गाड़ी आ गया। And we reach that एंट्री पॉइंट ऑफ ढिकाला रेंज, कैंटर्स यहीं पे खड़ी है। ढिकाला रेंज के अंदर घुस के रेस्ट हाउस में वो जो परमिट वगैरह का काम होता है वो सब हो गया। अभी हम लोग डायरेक्ट ढिकाला के अंदर है, हम लोग फ्रंट सीट में बैठे हैं, हम किशानू और मैं किशानू और जो भी सो रही है और मम्मी पापा के लोग से है। पतझड़ का मौसम है और बहुत ज्यादा बारिश हुई है रात को, पूरा जंगल को जो बोलते है ना, मतलब एक्टिविटी वाला स्मेल होता है ना, भींगा भींगा जैसा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ये ना एकदम। हम लोग जहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल नॉर्थ बंगाल उधर तो फॉरेस्ट है ही, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट, बहुत ही अलग है, एकदम वाइट वाइट सा महक वो चीज़ है, सच में अच्छा लग रहा है। तो सोई है हम लोग, हल्का हल्का होटल से लिया हुआ जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा कर लिया है, नहीं कोई सैंडविच है कोई बॉइल्ड एग खाए हैं, बाकी खाना इधर ले नहीं सकते तो हम उधर डाल दिए हैं। वो रेस्ट हाउस में जो पॉइंट है हम लोगों पास एक तरफ भी है, वहाँ पर चलने तक ले लेंगे, बाकी हो गया नज़ारा बहुत अच्छा है। जंगल सफारी है, मेरे सब कुछ अजीब अजीब चीज होता है। फर्स्ट फ्लाइट हम चले थे डायरेक्ट, मतलब लाइट में थाईलैंड वाला, मतलब इंटरनेशनल। वैसे ही ये भी थोड़ा अजीब बात है कि मेरे घर के सामने, मतलब घर से 1 घंटे की दूरी में ढेरों जंगल आते हैं ऐसे नेशनल पार्क टाइप के, उसमें जाके जंगल सफारी मेरे आज तक 30 साल से ज़्यादा का एज हो गया मेरा, दूर आई। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट जंगल सफारी है, सुबह सुबह उठ के तैयार होके निकल के, बड़ा अच्छा।
क्या फर्क पैंदा है इस चीज में, वो सो ही है की फर्क पैंदा। Oh man, look at the beauty, beauty. ये है रामगंगा रिवर, इसका नाम है ना रामगंगा, इसमें क्रोकोडाइल घड़ियाल भी है। है इसमें जैसे धूप के लिए बाहर आते हैं ना, आज तो धूप नहीं है, आते हैं तो दिखते हैं, हाँ सनबाथ के लिए आते हैं ना बाहर, और इसका क्रोकोडाइल घड़ियाल होता है, जहाँ गहरा पानी वहाँ पे हर जगह रामगंगा रिवर। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट हो गया एकदम। बच्चा भी है सामने, छोटा वाला बच्चा। मतलब टाइगर होगा, टाइगर होना चाहिए। मैं तो गुस्सा आ रहा है यार। एक इधर 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 अपनी दिखा आ जा बंदा निकले दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया जूम ना कोला दिखता है वो जूम कर जूम कर दा ओ जो 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 मसा मसा हां काम कर बराबर से देख ले अब জল পড়ে গেছে স্পট কর লি আমলো টাইগার দেখতে পাচ্ছ মাম এই দেখো এই দেখো बस मोड़ दो तीन कैप्चर करो। हाथी दिख गया, टाइगर दिख गया, हिरन दिख गया, सेटिस्फाइड पूरा एकदम सक्सेसफुल जर्नी आज मॉर्निंग का। अरे पूरा सक्सेसफुल एकदम मॉर्निंग का। आफ्टर अ ट्रिमेंडस ट्रिप वी स्पॉटेड एलिफेंट टाइगर एंड सो मेनी डियर्स। अब हम लोग आए हैं अभी ढिकाला गेस्ट हाउस में, यहाँ पे ये फॉरेस्ट के अंदर में एक रेस्ट हाउस है, यहाँ पे जो टी कॉफी वगैरह मिलता है बस सब कुछ, तो रेस्ट कर रहे हैं। पूपे अभी मिल गई है, पूपे क्या क्या देखे हो बताओ बताओ। अच्छा मुंह में खाना है, ये सब बोल देती है क्या क्या देखिए, मगर इसका दुख है कि ये जीब्रा और जीराफ नहीं देख इधर मिलता ही नहीं है। अच्छा मतलब थोड़ा क्रोकोडाइल देखने से भी अच्छा होता है। सो
हम इस जगह का भी थोड़ा टूर करते हैं, पहले थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, चाय वाय पी के। बहुत ठंड है लिटरली, मैं उतना विंटर वेयर पहना ही नहीं हूँ। सो एंजॉय करते हैं ठीक बाद में। यह है पूरा डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लानिंग किया था इधर पे रहने का, मगर जब मैं क्वेरी डाला था यहाँ के लिए तो जैसे ही मेरे को सुना कि एक छोटा सा बच्चा है तो मना कर दिया था कि यहाँ पे मत रहिए, कि यहाँ पे एमिनिटीज़ का कमी है। ऐसे तो लग्जरी है, लग्जरी नहीं है, अच्छा स्टैंडर्ड है बहुत, मगर उसमें क्या लिमिटेड सोर्स है ना, तो कोई इमरजेंसी रहने से दिक्कत हो जाता है। छोटा मोटा बच्चा रात को अगर कभी बीमार पड़े तो कोई वो सब सुविधा नहीं है। बाकी बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, अंदर में काफ़ी दूर तक है, मगर अभी हम लोग पास टाइम नहीं उतना अंदर जाने के लिए। ऑलरेडी कैंटर पूरा टाइम से चलता है, हम लोग सुबह आते वक्त भी थोड़ा लेट हो गया था बोल के खें खें कर रहा था, बहुत जल्दी चली जल्दी चली जल्दी चलिए, तो टाइमिंग भी रहता है इन लोग का, इसीलिए अभी हम लोग उतरे। और उतर के हम लोग मतलब उतरे मतलब ढिकाला डे विजिट करके हम लोग रिजॉर्ट में आए, उतरे तो उतरते ही इधर से अंदर जाने में तो रिजॉर्ट में हालत ख़राब हो जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब फैला हुआ है। और साथ में है थोड़ी थोड़ी बारिश, तो हम लोग वो जो अंदर ई रिक्शा होता है वो बुला लिए, हम लोग हम पीछे बैठे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पापा बोल रहे हैं कि ये गाड़ी खरीदने से अच्छा है, मस्त है, दाम पूछ रहे हैं, 5 लाख दाम है इसका। धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं। खुलो